हे गाइस, दिस इज़ आरती एंड योर वेलकम टू लर्न लाइवली। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ नारियल के लड्डू की रेसिपी, जो कि सुपर टेस्टी है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम ये लड्डू बना लेंगे। फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कद्दूकस किया हुआ नारियल। तो यहाँ पर ये जो नारियल है, ये कच्चा नारियल है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस नारियल में अगर जो दूध होता है ना, उसको हमें अच्छे से दबा कर निकाल लेना है। तो आप इस तरीके से कस के हाथों से दबा लीजिए, और जो भी मिल्क है, ये देखिए आप देख सकते हैं, वो इस तरीके से दबा कर निकाल लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने नारियल के दूध को अच्छे से निकाल लिया है। तो आइए मैं आपको आगे की विधि बताती हूँ। तो सबसे पहले गैस की फ्लेम को ऑन करना है एंड गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। और यहाँ पर जो मैं नारियल के लड्डू बना रही हूँ, वो मैं बनाने वाली हूँ गुड़ से। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। गुड़ को मैंने क्रश कर लिया है, थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, ताकि हम इसको आसानी से मेल्ट कर सकें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। अब हम अच्छे से गुड़ को मेल्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम आपको नहीं करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है। मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए पका लूँगी। तो दोस्तों, अगर आप गुड़ में ये रेसिपी नहीं बनाना चाहते हो, तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप गुड़ में इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको 1 तार की चाशनी बनानी है गुड़ की। तो दोस्तों, 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर आप इसको थोड़ा सा मिक्स कीजिए, और आइए हम चेक करते हैं कि चाशनी हमारी 1 तार की बनी है कि नहीं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 तार बनने लगा है। तो जैसे ही चाशनी में 1 तार बनने लगे, हमें इसमें ऐड करना है इलायची पाउडर 1/4 चम्मच। यहाँ पे क्रश्ड इलायची मैं ऐड कर रही हूँ, और हम ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच देसी घी। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच देसी घी मैं ऐड कर रही हूँ। देसी घी आप ज़रूर से ऐड करें, इससे क्या होगा कि हमारे जो लड्डू हैं वो खाने में मुलायम रहेंगे, आपके दाँतों में लगेंगे नहीं, हार्ड नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप 1 चम्मच देसी घी इसमें ज़रूर से ऐड करें, और इससे स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नारियल। गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है, लो फ्लेम पर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया। अभी आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, मीडियम फ्लेम पर आप इसे 2 मिनट तक पका लीजिए। तो गैस, 2 मिनट तक पकाने के बाद गैस की फ्लेम को आपको बंद करना है और इसको ठंडा कर लेना है। जितना ठंडा आप सह सकें, मतलब कि हल्का गुनगुना हो, तब हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो गैस, ये देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये हल्का सा एकदम गर्म है अभी। तो अभी आपको क्या करना, अपने हाथों में लगाना है देसी घी, और जितने बड़े आपको लड्डू चाहिए हों, उतनी बड़ी बड़ी आप बॉल्स लीजिए, और इस तरीके से। तो दोस्तों, लड्डू आप गरम गरम में ही ना बनाएं, जब भी ठंडा हो जाए तो आसानी से बन जाता है। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बने हैं। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, लड्डू को मैंने बना लिया। देखने में बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह लग रहे होंगे अभी आपको। इसका टेस्ट वाकई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप चाहें तो अभी इस पे सूखा हुआ वाला जो नारियल होता है ना, वो इसके ऊपर लपेट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ नारियल मैंने ताज़ा ही लिया है, वो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दे रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, लड्डू को मैंने गार्निश कर लिया है। आपको मेरी आज की नारियल के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।